देखिए ये जो है अंचलाधिकारी का कार्यालय है और यहाँ पे कुर्सी आपको बिल्कुल खाली दिख रहा होगा। यहाँ के स्टाफ ने बताया कि दोनों जो है आरओ साहब और सीओ साहब दोनों जो है अपने किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं, जिसके वजह से ये आपको खाली दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर बिहार, प्रिया गुप्ता के साथ। कार्यवाही के नाम पर सनहौला राजस्व कार्यालय बंद, आम जनता परेशान। भागलपुर बिहार। भागलपुर जिले के सनहौला अंचल कार्यालय का मामला है, जहां पूर्व में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें राजस्व कार्यालय में कर्मचारी के जगह दलालों के द्वारा सरकारी कागजात का उलट पुलट किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने बताया था कि राजस्व कार्यालय में कर्मचारी मौजूद नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से दलाल के द्वारा मोटेंशन व रसीद काटने के नाम पर मोटी रकम वसूला जाता है, जिसका वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो के कार्यवाही के नाम पर नतीजा यह निकला कि राजस्व कार्यालय पिछले एक सप्ताह से बंद है। जब इसका सूचना पाने के लिए अंचलाधिकारी के पास पत्रकार पहुँचा तो अंचलाधिकारी भी कार्यालय में मौजूद नहीं था। अंचल कार्यालय में मौजूदा परेशान व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि कई दिनों से अंचल में घूम घूम कर जा रहे हैं, मेरा काम नहीं हो पा रहा है, कार्यालय बंद है, दूर दूर से हम लोग आते हैं, कब तक यह सब चीज़ सहना पड़ेगा। इस मामले में जब पत्रकार ने अंचलाधिकारी से फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने कहा स्पष्टीकरण कर्मचारी से पूछा गया है, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला है। अब देखना यह है कि राजस्व कार्यालय कब तक बंद रहेगा और अनुपस्थित कर्मचारी पर कार्रवाई कब तक जाएगा। रसीद कटाए यहाँ कटाने के लिए आया है तो उसका भी जोड़ कर पैसा लेगा तब कटाएंगे। कितना पैसा आपसे मांगता है? अभी तो 300 मांग रहा है। 300 मांग रहा है, कौन मांगा है? कर्मचारी। कर्मचारी कौन है आपके पंचायत का कर्मचारी कौन है? बोरा पाठक। बोरा पाठक जी 300 रुपया का डिमांड कर रहा था। हाँ, जोड़ के लिया है। हाँ, किया नहीं है। ठीक, मूल का है यही है। सर आपके पदाधिकारी सर मौजूद नहीं है, सर हम लोग आए हैं सर। समझा जाए राजस्व अधिकारी वो इलेक्शन ड्यूटी में है, उनका आज प्रशिक्षण है। अच्छा, ठीक है। और सीओ साहब? सीओ साहब गए हुए हैं पीआरओ में, उनका ये सुनवाई वहाँ। अच्छा सर, दीजिए तो आप उनसे। सर सर एक जानकारी लेनी है सर, छोटा जानकारी है कि राजस्व कार्यालय ये बंद पड़ा है सर आज से 3 दिन बारे में। तो हमारे सर इस चीज का आपको कोई जानकारी नहीं है सर, राजस्व कार्यालय जो आज बंद है, आखिर कुछ कारण तो होगा बंद रहने का? मुझे लगता है कि सभी राजस्व कर्मचारी हमारे गए होंगे, फील्ड में गए होंगे। नौ कर्मचारी है, सभी फील्ड में रहते हैं सर, पब्लिक वहाँ से आके घूम के जा रहे हैं। ये तो इसलिए हम आपको बार बार सर एक बात है, राजस्व कार्यालय को कहाँ बैठना है, ब्लॉक में या पंचायत में? नहीं, अभी जैसे लगान रसीद का मामला चल रहा है कि उसको जा करके अपने पंचायत में जा करके काम करना, या पंचायत के ऑफिस में बैठना है या ब्लॉक के ऑफिस में बैठना है? नहीं, पंचायत के ऑफिस में। तो ब्लॉक के ऑफिस में क्यों बैठा जाता है? कहाँ ब्लॉक कहाँ बैठा? यहाँ आपके ऑफिस यहाँ पे पंचायत में बैठना है कर्मचारी को यहाँ पे? नहीं, जब वहाँ से आते होंगे तो यहाँ पर अपना बैठते होंगे अपना। अच्छा सर, हम एक चीज ऐसा देखें, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, राजस्व कार्यालय का। मेरा बात पहले सर सुन लीजिए, राजस्व कार्यालय का वीडियो वायरल हुआ, उसमें जो है सिर्फ दलाल नजर आ रहे थे, क्या उस दिन भी कर्मचारी कहीं गए हुए थे? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, बिल्कुल हम भी बिल्कुल नए हैं। आप कौन है सर? हम बस असिस्टेंट है। आप अपना परिचय दीजिए सर, आप नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम शंकर सुमन है। शंकर सुमन, धन्यवाद आपका सर। कब से दौड़ रहे हैं आप? 2 तारीख से। क्या काम था? मोटिशन का कागज दिले, चाबी तक नहीं हो रही। मोटिशन नहीं हो रहा है? सीओ साहब से मिले? पैसा दिए थे? पैसा पैसा नहीं, पैसा को मैं नहीं ले दिले, मैं कैसे झूठ बोल रहा हूँ। सीओ साहब पैसा, इसीलिए मोटिशन लेट हो रहा है। पैसा सीओ साहब से भेंट किए हैं आप इस मामले में? हाँ, जब कर रहे थे भेंट बोले थे कर देंगे। क्या नाम आपका? हमारा नाम सर गुण नाम। कहाँ घर का? लड़िया भगवानपुर। भगवानपुर घर है? हाँ, सर नोला भगवान। ठीक।